कहते हैं फिल्में जिंदगी के सार होती है। छोटी छोटी किस्से कहानियां पर बनी फिल्में हमारी जिंदगी जीने के तरीके को बदल देती है। फिल्म जितनी काल्पनिक होती है उतनी ही वास्तविकता के रूप में कभी कभी करीब आती है, जिसे हर इंसान खुद को फिल्मों में तलाशने लगता है। आज हम आपके साथ भारत के सबसे बड़ी मोटिवेशनल मूवी के डायलॉग शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी से जोड़ सकते हैं। ये फिल्म है माझी द माउंटेन मैन। ये फिल्म है बिहार के दशरथ माझी की, जिन्होंने अकेले दम पर 22 सालों की कड़ी मेहनत से सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से एक बड़ा पहाड़ को काटकर रास्ता बना लिया और लगभग 70 किलोमीटर की लंबी दूरी को सिर्फ 1 किलोमीटर में समेट दिया। यह डायलॉग्स छात्रों, विशेषकर स्पेशली यूएसपी जो यूपीएससी के छात्र है, के मददगार और लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे तोहर महमार। ये डायलॉग उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्होंने अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय कर रखे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। वो छात्र जो सिविल सेवा, एसएससी, एमबीबीएस और आईआईटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सफल होने के बहुत समय लगता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये डायलॉग्स हमेशा हौसले और हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। नंबर 2, पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अकेले दम पर एक बड़ा पत्थर तोड़ना काफ़ी मुश्किल लगता है, पहाड़ तोड़ना तो बहुत दूर की बात। अब आप खुद तय करें कि क्या है आपका गोल, पहाड़ तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल है या नहीं। इसलिए जब भी तैयारी करते वक्त लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो उन लोगों को ध्यान में रखें जो दिन रात मजदूरी करके भी गरीबी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। नंबर 3, बहुत अकड़ है तोहरा में, देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। ये डायलॉग उन सभी लोगों को पसंदीदा होना चाहिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लगन और मेहनत के बाद भी जब आप उस उपलब्धि के करीब नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तब आप वहां इस डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा फ्रेंड्स। नंबर 4, भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। इसे आप एक सलाह या सुझाव के तौर पर ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी विफलता के लिए भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, तो कुछ एक दो बार विफल होने पर इसे अपनी किस्मत या भगवान का इच्छा मानकर बैठ जाते हैं और पहले ही तरह मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। नंबर 5, लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम जैसे सिविल सेवा, एसएससी, आईआईटी, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे मौके आ सकते हैं जब लोग आपको मूर्ख या पागल कहेंगे, तो तैयारी छोड़ देने की सलाह देंगे या किसी दूसरे नौकरी को करने का सुझाव देंगे। ऐसे में वही करें जो आपका मन करता है। दूसरों के प्रेशर में अपने ऊपर हावी ना होने दें। आज जितने भी महान साइंटिस्ट निकले हैं, उन्हें भी पहले लोग पागल ही कहा करते थे। अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना या अच्छा बनाना सिर्फ हमारे हाथों में होता है फ्रेंड्स। जो इन डायलॉग से आप सीख ले सकते हैं, रिजेक्शन शुड नेवर स्टॉप यू, दूसरों की अस्वीकृति आपको रोक नहीं सकती। फेलियर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, असफलता कोई समस्या नहीं है। पीपल हु रिजेक्ट यू, यू नो नथिंग अबाउट योर सेल्फ। वो लोग जो आपको मजाक उड़ाते हैं, आपकी काबिलियत के बारे में कुछ नहीं जानते। और अंत में कहना चाहता हूँ, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। अपनी काबिलियत पर भरोसा करना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय और सुझाव या विचार अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।